तबाही का तूफान लैला ने आंध्र प्रदेश के तटों को छू दिया है और वो उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि धीरे धीरे इसकी रफ्तार कम हो रही है, लेकिन इससे होने वाले नुकसान में फिलहाल कोई कमी आए ऐसा लगता नहीं है। तबाही के लैला ने देश के तट पर दस्तक दे दी है और अब वो बढ़ रहा है उत्तर पश्चिम की तरफ। इस तूफान के पहुंचते ही पूरे इलाके में भारी बारिश होने लगी और तेज हवा चलने लगी। लोग पहले से ही सतर्क थे, फिर भी लैला का मुकाबला आसान नहीं। आंध्र के तटों को छूने के बाद वो बढ़ चला है कृष्णा, पश्चिम और पूर्व गोदावरी की तरफ। इसके बाद विशाखापट्टनम होता हुआ ये उड़ीसा की तरफ चला जाएगा। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि धीरे धीरे इस तूफान की तीव्रता कमजोर हो रही है, लेकिन तूफान के असर पर कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, भारी बारिश तो होती रहेगी। इस बीच लैला से लड़ने के लिए सरकार और प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। एहतियात के तौर पर कई ट्रेनों को उनके ही स्टेशन पर रोक दिया गया है। आपातकाल के लिए 9 हेलीकॉप्टर तैयार रखे हैं। राज्य सुरक्षा बलों के अलावा आपदा प्रबंधन के 550 लोग तैनात कर दिए गए हैं। 80 नावों को अलग अलग जगह भेजा गया है ताकि जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल हो सके। राज्य भर में करीब 51,000 लोगों को तटीय इलाकों से हटाकर राहत कैंप तक पहुंचाया गया है। तमाम इंतजाम तो किए गए हैं, लेकिन लैला ने आने से पहले ही जो तबाही फैलाई है उससे लड़ने में सरकार और प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। अब तो ये देश में घुसकर उत्पात मचाने लगा है। कृष्णा से अनुषी के साथ रिदुला चंदूरी, हैदराबाद आज तक। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद और उसके आसपास के इलाकों में जबरदस्त तूफान आया है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी तबाही मच गई है। सुबह सुबह आए इस तूफान में अब तक 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। तेज हवा और भारी बारिश की वजह से कई घर तबाह हो गए, फसलें बर्बाद हो गईं। तबाही के निशान बताते हैं कि तूफान कितना खौफनाक रहा होगा। कल तक जो आबाद गांव था, अब वहां मलबे में बदल चुका वीराना है। ये मंजर यूपी के संगम शहर इलाहाबाद और आसपास का है। तूफान ने इलाके में जमकर तबाही मचाई। तेज हवा और भारी बारिश ने कई घर तोड़ डाले, कई झोपड़ियों की छतें उड़ गईं, खेतों में खड़ी फसलें तबाह हो गईं। इतना ही नहीं, तूफान में फंसकर कई लोग मौत के शिकार तक हो गए। ग्रामीण इलाकों में तबाही मची, लेकिन शहर भी नहीं बच पाया। सड़कों पर पेड़ टूटकर गिर गए, गाड़ियां गड्ढे में जा गिरी, घरों के छत तक उड़ गए। प्रशासन की तरफ से राहत का काम शुरू हो गया और इस खौफनाक हादसे में मारे गए लोगों के घर वालों को 1-1 लाख रुपए मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। हालांकि ऐसे मौसम में भारी बारिश और तेज चक्रवाती हवा आम बात है, लेकिन इस तूफान से जो तबाही हुई है उससे प्रशासन भी सख्ते में है। आशीष राय, इलाहाबाद आज तक।